हेलो स्टूडेंट, चलो यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या दिया, दो स्टेटमेंट दिए हुए। दोनों स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, करेक्ट है, और कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, हमें क्रॉस चेक करना चाहिए। तो वन बाय वन स्टेटमेंट क्रॉस चेक करते हैं। क्या दिया आपके पास, पहला स्टेटमेंट दिया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पावर ऑफ लाइट्स। ओके, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमेशा किस पर डिपेंड करता है, इज डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी एंड डिपेंड्स अपॉन वर्क फंक्शंस। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। किसने पूछा कहाँ से है, तो आपके पता है एनर्जी ऑफ फोटॉन्स इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस क्या होता है, ईवी नॉट होता है। सो दैट ईवी नॉट इज इक्वल कितना आ रहा है, एनर्जी ऑफ फोटॉन माइनस वर्क फंक्शंस। तो ईवी नॉट इज इक्वल टू एच कितना आएगा यहाँ पे, दैट इज एच न्यू माइनस वर्क फंक्शंस। चलो किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे कट ऑफ वोल्टेज किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, वर्क फंक्शन पे। सो दैट क्या हो रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड, तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारा करेक्ट है, क्योंकि ये डिपेंड किस पे करता है, सिर्फ वर्क फंक्शन एंड फ्रीक्वेंसी। या तो बोल सकते हो इट इज ऑल्सो एस सी बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। तो कट ऑफ वोल्टेज डिपेंड किस पे करता है, तीन क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। फर्स्ट कौन सी क्वांटिटी, वर्क फंक्शन पे, सेकेंड फ्रीक्वेंसी पे, थर्ड वेवलेंथ पे। बाकी सभी बाकी अदर क्वांटिटी से ये इंडिपेंडेंट होता है। तो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट, फॉर गिवन मेटल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन वेवलेंथ। ओके, डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ। अब काइनेटिक एनर्जी भी कमेंट करना है, तो सेकेंड स्टेटमेंट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, यहाँ ईवी नॉट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ योर फोटॉन्स इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस योर काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, दैट इज एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, या तो एच सी बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है, इस वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है, यस स्टेटमेंट बता रहा है ऐसा। तो काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू बोथ इज करेक्ट। कहीं दिया हुआ क्या, ऑप्शन सी, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट। ठीक है, याद करें ना, काइनेटिक एनर्जी और कट ऑफ वोल्टेज दोनों सेम ही है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, ईवी नॉट। ठीक है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ईवी नॉट हो रहा है। तो जिस जो काइनेटिक एनर्जी का फैक्टर्स रहेगा, डिपेंडेंसी फैक्टर्स, वही क्या रहेगा, कट ऑफ वोल्टेज का भी डिपेंडेंसी फैक्टर्स रहेगा। चलो क्लियर, याद रहा, समझ में आया। ठीक, चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम लोग कोई क्वेश्चन को डायरेक्टली नहीं बताएंगे, हाँ ये याद करना, हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है, फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, उसी से डिसाइड करेंगे किस पर डिपेंड कर रहा है, किस पर नहीं डिपेंड कर रहा। आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग।